हेलो बाबू, यार कहाँ है तू? घर हूँ मैं तो। यार तुम कहाँ हो? मैं बग्घी पे बैठा हूँ, मेरी बारात चल रही है। क्या तुमने मेरे बिना शादी कर ली? और कहा, जब तू लोग करेगी तो कर ही लूंगा। मजाक मत करो, सच सच बताओ कहाँ हूँ और सुबह सुबह कैसे फोन कर दिया आज? मैं तो खेतर पे बैठा हूँ। और फोन यहाँ मार करो, आज मिलना रहेगा तू? नहीं यार, मैं नहीं मिल पाऊंगी। क्यों क्यों ना मिल पाएगी? पिछले 6 महीने तू कह रही है 7 तारीख को मिलूंगी, अब फिर ड्रामे न कर रही है तू? बेबी आपको पता है ना, पापा जी कहीं जाने नहीं देते। तो फिर कुछ बहाना मार कर आ जाना बढ़िया सा। बेबी वो ना मुझे अकेला नहीं जाने देते, जहाँ जाते हो ना साथ ही जाते हैं। तो टॉयलेट को बहाना मार कर आ जाना, वहाँ थोड़ी जाएंगी तेरी गैल। यार तुम कैसी बात करते हो, टॉयलेट तो मेरे घर में भी है, मैं बाहर क्यों जाऊंगी? तो कह दियो आज खुले में जाने को मन है। चुप रहो तुम। तू साफ साफ बता, मिल रही है या ना मिल रही? मेरा भी मन है मिलने का। तुम्हें तो पता है ना, पापा जी कई बार जाने नहीं देते। मन करता है कहीं भाग जाऊं। या तो मुझे कोई किडनैप कर ले। कम से कम 2-3 दिन घर से बाहर तो रहूंगी, परेशान होगी मैं घर वालों से। तेरी नौटंकी मौका कतई भी समझ में ना आती, वो तो बात करने की जोर तो ना, ठीक है ना भाई? क्या हुआ भाई, तू तो हाई करने वाला, तेरी तो भाई होगी। अरे यार मेरे समझ में नहीं आता, पूरे दिन फाइट करती रहे मौसी यू। तो तू जेट प्लेन लेके चला जा ना। भाई मैं फ्लाइट न कह रहा, मैं फाइट कह रहा हूँ, मुझे लड़ती रहे पूरे दिन। अच्छा तू नहीं जमेर गया भाई, तू बता दिक्कत कहाँ आ रही है? भाई यार दिक्कत यह बात की कि मेरी सेटिंग मौसम मिल ना पा रही, तू तो हर दूसरे दिन लेके पहुंच जा अपनी सेटिंग के खेतन पे। तो जब तक वासु कही तो कहा कह रही, उन्हें कह रही कि मिल ना पाऊंगी। क्यों? बाका पापा वा कहीं बाहर न जान देता, और कहीं जावे तो पापा वा जेल जावे फिर। भाई मोह लगे वाका मन ना मिलने को। भाई यार ऐसा कुछ भी ना हो तो खुद सोच रही घर से बाहर निकलने की, उतन उतक भी कह रही कोई मुँह किडनैप कर ले वे। किडनैप? हाँ भाई मेरे धोरे एक आइडिया है, बहुत तगड़ा। भाई तेरे धोरा आइडिया एयरटेल जो भी हो वो बता दे, मैं मिलना वासु। भाई एक काम कर रहे, तेरी सेटिंग किडनैप कर ले रहे। तेरा दिमाग खराब दिखे, माने कह दिया तू चल दिया, अगर वाके बाप पता चल गई ना तो लठिया मार कर पिछवाड़े तोड़ देगा। अरे भाई बचेगा तो तब ना जब पता पड़ेगी, तू बस नू बता तो मिलना है या ना मिलना। हाँ मिलना। एक काम कर, अपनी सेटिंग में फोन कर और वासु कह तू बाहर आ जा, हम तो किडनैप करेंगे। कहते हैं सर जैसे खीर बट रही हो, कैसी बाहर निकल हम किडनैप करेंगे, बाप अगर तू बाहर ही निकल दे तो जब। अरे भाई यही बात का तो दिमाग है। वो कैसे? सुन एक बात बता, जब वो अपने घर से जाएगी तो वहाँ का बाप अकेला तो भेजेगा ना, खुद भी आएगा गेल। हाँ तो जब खुद आएगा तो हम वही रास्ता में रोक के तेरी सेटिंग उठा लेंगे, तो वहाँ नू लगेगा कि ये असली के गुंडे हैं, हम पे शक ही ना जाएगा। बता है ना टॉप का आइडिया। तू एक बात बता, हम पैदा भी एक गेल हुए, और हम स्कूल भी एक गेल गए, और हम ट्यूशन भी एक गेल गए, और दूध भी बराबर पियो, तो मैं इतने दिमाग कैसे? भाई तो दूध भी वे और मैं मलाई खाऊं, ये हमारे मुंह में ज्यादा दिमाग है। अब हो जा किडनैपिंग की तैयारी? हाँ भाई हो जान दे। तो फटाफट अपनी सेटिंग फोन कर और समझा दे पूरा प्लान। ठीक है भाई। हेलो बाबू। हाँ बोलो। तो मुझसे मिलना है ना? हाँ मिलना है। खाइए मम्मी कसम। मम्मी कसम अब खुश, पर मिलूंगी कैसे? तो ठीक है मेरी बात है ध्यान सुन, आप समझ गई ना मेरी सारी बात है? हाँ हाँ समझ गई, पर सब तरीके से करना, कोई दिक्कत ना हो जाए। हाँ हाँ तो दिक्कत मतलब है, अब तो मीटिंग हो गई रहेगी, बस तू घर से निकलते एक मैसेज कर दियो मेरे दौरे। ठीक है मैं निकलती मैसेज करती हूँ, बाय। अब बाय ना, अब तो हाई होएगी भाई। होगी बात। कहाँ कह रही है? भाई नु कह रहे निकलते मैसेज कर देगी मेरे दौरे। भाई बहुत बढ़िया, अब एक काम कर रहे हैं, बकरा खटका मस्तानी उस्तानी सब बुला ले रहे हो, बैठ के प्लानिंग कर ले रहे हैं। ठीक है भाई, तेने वो मेरे भाई दिया यार। अरे भाई हमारी क्या लेगा, तो मौज लेगा। आजा पापा जी, पापा जी। हाँ बोलो। वो मुझे अपनी फ्रेंड के घर जाना है, मैं जाऊँ? चलो मैं छोड़ देता हूँ। मैं अकेले चली जाऊँ? अरे बोला ना मैं छोड़ देता हूँ, चलो। अजी कहाँ जा रहे हो? अरे इसको छोड़ के आ रहा हूँ। अरे आप खाना खा लो ना, चली जाएगी वो अपने आप, पास ही तो जाना है। अरे कह दिया ना छोड़ के आ रहा हूँ। सुनती नहीं है, आओ चलो। बता दिया करो जब भी जाना होता तो। तू मेरी बात ध्यान से सुन, अब बस हमें जाके नितिन की सेटिंग उठानी है। अरे भैया हम क्या उठाएं, और कमजोर शरीर है, वैसे नितिन भी एक सेटिंग तो नितिन खुद उठाएं, हम क्या उठाएं? अरे उठानी मतलब किडनैप करनी है, तो उठाने को ना कह रहे। तो भैया ऐसे बताओ ना प्रॉपर, वैसे किडनैप क्या करनी है, तुम लोग चोरी करने लगे हो का? अरे इतना की बोल रहा बकरी सिकल के, तो जितनी कही जाए उतनी कर, ठीक है ना? ना तेरी थू तनु कर दूंगा अभी। जब दो भाई तो उसे कह रहे हैं तो समझ में ना आ रही, अब बता चलेगा या चलेगा? अरे भैया तुम इतनी कह रहे हो तो चल दिए, लेकिन पेप्सी पिपान पर है। और तू?
हाँ भाई तू कह रहा था बिल्कुल जाऊंगा। तो फिर ठीक है, एक काम करो, एक लौंडी अपने पापा के लाएगी, हमें वो किडनैप करनी है, गाड़ी में घेरनी है, कोई भी किसी का नाम नहीं बोलेगा और शिकल नहीं दिखाएगा, ठीक है? सबको काले कपड़ा पहननी है और काले ही रंग की पहननी है टोपी, जिससे हमारा किसी का चेहरा दिखे, समझ गए? हाँ भैया बिल्कुल समझ गए। ठीक है, तो वो लौंडिया घर से निकलते ही हमें मैसेज कर देगी, हमें बस उठा के लानी है। मतलब मैसेज, लौंडिया खुद किडनैपिंग के लिए मैसेज करी है? भाई यही तो क्वालिटी वाला लौंडिया के अंदर। ले भाई वहां का मैसेज भी आगा नुकेरे जान, आई एम कमिंग राइट नाउ। ओ भाई चल जल्दी चल आओ। कौन है यार ये लोग? अरे भाई अरे 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 भाई अरे 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 अर्शन, जब तक बॉस का फोन ना जाए किसी से कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, समझ गया? और हाँ, पुलिस को तो बिल्कुल ना बताया, हमें बहुत डर लगा था। मेरी बेटी को लेगा रे, मेरी बेटी लेगी। हे भाई कोई है? हे भाई कोई बचाओ रे, मेरी बेटी को लेगा। हड़बड़ी मचा रखी है। अरे बैठो। क्या हो गया? प्रीति, वो श्वेता। हाँ हाँ श्वेता, क्या हुआ श्वेता को? अरे श्वेता को कुछ लोग किडनैप करके ले गए। किडनैप? कौन लोग थे, कहाँ ले गए? अरे मुझे क्या पता कौन थे क्या थे, चार चार लोग थे। और तुम खड़े खड़े मुंह देखते रहे? अरे मैं उनको बचाता तो वो मुझे भी मारते। तुम पिटाई के डर से तुमने लड़की मंगवा दी? अरे ऐसा कुछ नहीं है। अब करे क्या? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा करें हम पुलिस को फोन कर दें? नहीं, पुलिस या किसी को फोन करने के लिए उन्होंने मना किया। तो क्या करें अब? वेट करेंगे, उन्होंने फोन करने के लिए बोला वो फोन करेंगे। तेरा पापा जितना चंट बना है ना उतना ही बेकू बनेगा। और मैं तो पहले ही कह रहा हूँ तमसु, तेरे पापा की जो है ना बारन गन बुद्धि भी चली गई। यार ऐसे तो मत बोलो मेरे पापा को, कम से कम। ओ तेरा पापा तो ना हो कहीं को धर्मेंद्र। वैसे नहीं तेरे को बताऊँ, मोस्ट सेक्टर की लौंडी यही मारा बुरी लगा है यार। हमारे गांव के किधर है, कभी दूध लेने चले जाओ, कभी बतासे मोटरने चले जाओ, कभी लड्डू आ जा, तो आना जाना बना रहे। तुम्हारे तो उताऊ बैठा रहे सिक्योरिटी वाला डंडा लेकर, भीतर इंजान दे तो ऐसा लगे जैसे कुत्ते ने भगा रहे हो। भाई मैं कहा कर सकूं यार, तो गांव की लौंडिया मिल गई तो मेरे नसीब में तो यूं ही, लेकिन शहर की लौंडिया कहते मिल की बारी रे, मैं देखना रहा तू। वैसे भाई एक फायदा भी है इनको। तो भाई जब ये बोलती होगी नू लगता होगा जैसे गुड़ चाशनी सी बट रही हो, एक हमारी है, जब बोले ना कहा कर रहो कौन जा रहो तो ऐसा लगे जैसे गाली दे रही हो। क्यों तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें प्यार नहीं करती? अरे प्यार की तो बता ना, ऐसा लगे जैसे धूल में लट बजा रही हो। लेकिन यार तुम दोनों मुझे यहाँ ले तो आए, पर वहाँ मेरे पापा जी परेशान हो रहे होंगे। अरे तू पापा की दिक्कत मत ले बे, नितिन तू यहाँ से बात कर, मैं आके पापा से बात करके आ रहा हूँ, ठीक है भाई, लेकिन ऐसा काम मत कर दियो, मेरा रिश्ता ना हो यहाँ से। अरे तू दिक्कत मत ले बे, अब तुम बहुत दिन बाद मिले, थोड़ा क्लोज होके बैठो, पर क्लोज मत करियो, ठीक है? हम अस्ता जी यार हुआ बाबू एक मिनट सिर धारियो। भाई तुम मोनू बताओ, वहाँ के पापा से बात करनी है, पर मैं कहाँ के हूँ? अरे कहे होगा, भूख लग रही बहुत तेज, तो कुछ खाने मंगाए ले। तू बता कहाँ मंगाऊँ खाने में? भाई समोसा मंगा ले। ठीक है, घने दिन से समोसा ना खाए, आज जाके बाप से मंगा ले रहा हूँ। और हाँ थोड़ी आवाज बदल के बात करियो, लगना चाहिए तू गुंडा, चेक कर लू पहले। हेलो। अरे यार तोतन जैसी आवाज क्या निकाल रही? दोबारा। हेलो, एकदम परफेक्ट। अब तुम दोनों चुप रहियो, ठीक है? फोन आ गया। हेलो हेलो हेलो, कौन बोल रहे हैं सर? स्पीकर पे करो, स्पीकर पे। बड़ी जल्दी भूल गया,
भाई साहब गलती होगी, माफी दे दीजिए भाई साहब, आप बताइए मुझे क्या करना है, मेरी बेटी को छोड़ दीजिए, आपको जो चाहिए मैं दूंगा। चल ठीक है, एक काम कर, 10 समोसे, हरी चटनी लाल चटनी और दुनिया डलवा के कैंप के पिछाड़ी रोड पे आ जा। भाई साहब ये समोसे आपका कोई कोड वर्ड तो नहीं है ना? जितना बोला उतना कर। भाई साहब मैं बस आया, मैं यहाँ पे आया, फिर जल्दी आ रहा हूँ। जल्दी? हाँ भाई साहब बिल्कुल जल्दी आ रहा हूँ, 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ, 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ, बस आया आया। समोसे कौन मांगता है? तुम्हें क्या करना, लेके आना समोसे। हाँ, हाँ। और सुनो, एक भी समोसा फूटा नहीं होना चाहिए। क्यों? कहीं तुम्हें ना फोड़ दे। पहली बार 10 समोसे खाने को मिलेंगे जिंदगी में। प्रशांत सुन, कैंप के पीछे लेके आ रहा समोसे, इन्हें गैल जाओ और जैसे ही वहां रखे गैल ठा के ले गयो, ठीक है? चल रे गाली मारी मैं। ओ भाई जल्दी से 10 समोसे पैक कर। कर रहा हूँ। अरे जल्दी करना यार। और सुन, लाल चटनी हरी चटनी और दोनों जूट डाल दियो, और एक भी समोसा फूटा हुआ ना हो। जल्दी कर जल्दी कर। अरे यार दे ना यार, तू डाल डाल डाल, चटनी डाल चटनी डाल, जल्दी कर जल्दी कर। ये ले, ये ले पैसे ले। हाँ हाँ, डोने डोने, शाबाश शाबाश। अरे यार तू सही बंदा यार, इतनी देर लगा दी समोसे बनाने में, इतना टाइम कौन लेता है यार। भाग यार भाग। यार फोन नहीं आ रहा। अरे हेलो भाई साहब, कहाँ पहुँचा? जहाँ आपने बोला था मैं उसी जगह पे खड़ा हूँ। वहाँ कोई पेड़ दिख रहा है? हाँ बिल्कुल, मेरे साथ भी है। समोसे लाया है ना? हाँ जी बिल्कुल, समोसे लेकर आया हूँ। ये समोसे उसी पेड़ पे टांग दे। पेड़ पे टांग दूँ? लड़का अपने आप ले जाएगा। जी 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 भाई साहब, टांग टांग दिए समोसे, टांग दिए। चल निकल अब। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल निकल रहा हूँ। अच्छा सुन, अब क्या बात है भाई साहब? एक नंबर पर रिचार्ज कर। रिचार्ज करूं? हाँ जल्दी कर। भाई साहब किस नंबर पर रिचार्ज करना? 999999999। अरे भाई साहब बहुत बढ़िया नंबर है आपका ये तो। तू हल्के में ले रहा हमें? अरे नहीं भाई साहब, कैसे हल्के में ले लूंगा, अभी कर रहा हूँ। कितना कितने दिन का करना? 90 दिन का करियो। लेकिन भाई साहब वो तो 84 दिन का होता है। तू हमारा 90 का कर, वरना तुझे रिचार्ज कर देंगे। सर 90 का मैं कर रहा हूँ, कर रहा हूँ भाई साहब, कर रहा हूँ कर रहा हूँ। भाई साहब हो गया, बस आप चेक करो भाई साहब, चेक करो, हो गया। चल फोन काट। अरे भाई साहब बात तो सुनो। अरे भाई साहब फोन काट दिया यार, बेटी तो पता है कब आएगी, कहाँ जाऊँ? मत आने, तू पूरे दिन सेटिंग से बात कर। फोन आ रहा है। अच्छी भाई साहब, 3 जोड़ी बढ़िया फैंसी चप्पल लेके कच्ची सड़क पे आ जा। चप्पल? चप्पल क्यों? मुझे लगता है तुझे अपनी बेटी से प्यार ही नहीं है। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं भाई साहब, मैं अभी 5 मिनट में पहुंचा, 5 मिनट में पहुंचा बस। जल्दी आ। जी 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 भाई साहब, अभी आया बस, अभी आया। यार प्रशांत की समझ में ना आ रही, कहाँ रहेगा? ले भाई ले आया समोसा। पूरा ला दिखा, जल्दी दिखा, पूरे है ना, पकड़ जल्दी पकड़। और एक काम कर, 2 समोसा ले जल्दी ना। ये 2 समोसा मैं नितिन ने दिया रहा हूँ, ठीक है? और खुद खा लेंगे बैठ के, पकड़ जल्दी पकड़। ले जी लो समोसा खाओ, लो जी समोसा खाओ। थैंक यू। ले तू भी खा ले। पैसा कौन सा है? एक बाप सी मंगाई है। चल ठीक है, मौज ले भाई, खाओ खाओ। ठीक है भाई। भाई साहब मैं पहुंच गया। अब एक काम कर, बिना पीछे देखे
चप्पलों को अपने सर से घुमा के पीछे फेंक दे। हाँ एक मिनट भाई साहब। हे भगवान मेरी बेटी को भेज दे। हे भगवान जी भाई साहब फेंक दी। तो तू यहाँ क्यों खड़ा है, निकल आ यहाँ से। जी जी भाई साहब निकल आ, भाई साहब निकल आ, निकल भाई। कैसे लोग हैं मेरी बेटी। ये प्रशांत की समझ में ना आ रही, कितना टाइम लगा दिया है ना। अरे यहाँ ले आए भाई चप्पल। ये पुरानी चप्पल कौन सी आई है भाई, कैच करते पे पन्नी फट गई। चप्पल तो नहीं है ना। हाँ भाई चप्पल नहीं है। राम मजा आ गया भाई, बांट लो अपनी अपनी। हाथ पकड़ ले मेरा, बहुत ठंड सी लग रही है यार। प्रशांत अब तू बता कहाँ मंगा लूँ यासू। भाई एक काम कर, दही बल्ले और मंगा ले, ठंडे ठंडे मजा ही आ जाएगा। तेरा बड़ी दिक्कत रही, ले देख अभी मंगाऊँ। हेलो जी भाई साहब आप क्या चाहिए। ठंडे ठंडे दही बल्ले लेकर ग्राउंड के पीछे आ जा। आप जो मांगेंगे मैं सब लाके दूंगा भाई साहब, पर बेटी को कुछ मत कहना भाई। मैं 5 मिनट में पहुंचा भाई साहब, 5 मिनट। जल्दी आ। दही बल्ले भी आ गए। ओ मस्तानी, तो इन दोनों ने देख के कहा लग रहा हो। ऐसा तो लग रहा है जैसे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चल रही हो। मजा ना आया। तू बता भाई, मुंह तो ऐसा लग रहा है जैसे काला कौवा सफेद कबूतरी लेके बैठा हो। थोड़ा ही मजा आया यार। लेकिन यार तुम बताओ तुम्हें कैसे लग रहा है। मुंह ऐसा लग रहा है जैसे काला चैटा सफेद बतासे मर गयो। अब क्या आया भाई, मजा आया, मजा आया भाई। बाबू अगली बार जब भी तू आएगी ना तो यार कुंडी में नहाऊंगा फिर मैं। अरे भाई नितिन, होगी तारी बातचीत ना हुई अभी तक। भाई बात तो नहीं, बता क्या हुआ। भाई टाइम बहुत हो लिया, आप क्या घर भेजते कहीं और दिन मिल लीजो। हाँ यार तुम ठीक कह रहे हो, घर पे सब परेशान हो रहे होंगे। हाँ उल्टे मैं कह रहा हूँ। चल ठीक है भाई, कोई बात नहीं। ठीक है जी, ठीक है, ओके बाय बाय टाटा, शुक्रिया। बेटा हाथ भी ना मिलान दे रहा, अगली बार मिलन मिलने होगा। चलो ठीक है जी, राम राम जी। हाँ जी भाई साहब मैं पहुंच गया। मोटरसाइकिल से नीचे उतर। जी उतर गया। चप्पल उतार। जी उतार दी। दही बल्ले ले ले लिए जी। अब सामने देख एक बच्चा दिख रहा होगा। बच्चा हाँ जी, हाँ जी दिख रहा है। ये दही बल्ले उसके सामने रख दे जाके। जी जी अभी रख रहा हूँ। ले 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 बेटा, अरे ले ले दूध दे दूध, अरे ले पीले बेटा, पीले बेटा, बेटा पीले ना, बेटा रो मत बेटा, बेटा मेरी बेटी, ले 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 बेटा ले ले, अरे बेटा रो मत, ये ले ये ले ये ले, अरे ये लो दही बल्ले खाओ, दही बल्ले, अरे रोना नहीं बेटा, रोना नहीं, अरे मेरी बेटी है बेटा, बेटा रो मत ना बेटा, अरे क्या करूँ। अरे भाई साहब ये बच्चा तो रो ही जा रहा, चुप ही नहीं हो रहा। एक काम कर, बच्चे के सामने नाच, और जब तक बच्चा चुप ना हो जाए नाच बंद नहीं होना चाहिए। नाच करूँ। अरे चाहिए भाई साहब, क्यों नहीं चाहिए। चलना जब। नाच रहा हूँ भाई साहब। चुप हो जा मेरे बच्चे, अरे मेरे बच्चे, अरे चुप हो जा, 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 अरे मत रो, अरे बेटा ऐसे ना कर, अरे ना रो, अरे ना रो, अरे बच्चे ना रो। मम्मा, श्वेता, बेटा तू आ गई वापस, ठीक है ना तू? किसी ने ऐसा कुछ किया तो नहीं ना बेटा? अरे मम्मा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और वो लोग तो बहुत अच्छे थे, पता है सारा टाइम मुझे समोसे खिलाए, दही बल्ले खिलाए, और पता है फ्रूटी भी पिलाई। अच्छा, हाय मेरा बच्चा, रुक मैं तेरे पापा को फोन करती हूँ। चुप हो जा रे, अरे चुप हो जा रे, अरे चुप हो जा, अरे चुप हो जा, अरे चुप हो जा रे, अरे चुप हो जा रे, अरे मेरे कृष्ण कन्हैया, अरे चुप हो जा रे, चुप हो जा रे। हेलो, हाँ प्रीति, कहाँ हो तुम? श्वेता घर आ गई है। क्या घर में आ गई वो? हाँ मैं भी आ रहा हूँ, मैं भी आ रहा हूँ। अरे तू रो, अरे तू रो, अरे चिल्ला के रो।
अरे मैं तो जा रहा हूँ, अरे मेरी तो बेटी आ गई, भागो भागो, अरे चल बे। राम राम जी, कैसे हो मेरे सारे भाई। तो भाई अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में बताना है कि वीडियो आप सबको कैसी लगी, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, सेटिंगों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी दोस्तों वीडियो इस बार लंबी इसलिए थी क्योंकि आप लोग हमेशा कहते रहते हो कि भाई वीडियो छोटी बनाते हो, जब तक मजा आना शुरू होता है तब तक वीडियो खत्म हो जाती है, तो इसलिए वीडियो इस बार लंबी है, पूरी देखें और आप लोगों को वीडियो लाइक जरूर करनी है, ठीक है। बाकी आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाय।